हाय बीबी, कैसे हो? हाँ बीबी। अरे बीबी, ओह शिट, बैलेंस खत्म हो गया। ओह यार। हेलो। हाँ हाय बीबी। अरे बीबी, क्या हो गया था? आपने फोन क्यों काट दिया? हाँ बीबी, टॉक टाइम खत्म हो गया है। अभी कल ही तो करवाया था 100 का। यार पता नहीं यार, 50 का रिचार्ज करा दो प्लीज यार, जल्दी से जल्दी करना। हाँ तुरंत करके मुझे बताओ यार। ठीक है, कराता हूँ। बेबी चलो एक फोटो ले ले। हाँ। अरे हमारी नहीं, सिर्फ मेरी। अगर आप भी ऐसी लड़कियों के चक्कर में पड़ गए हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज इन लड़कियों से जल्दी ब्रेकअप कर लीजिए, जिससे कि आप शांति से जी पाए। हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम अंकित। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गर्ल्स यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम। गर्ल्स को आप चेंज भी कर सकते हैं अपने पार्टनर से, यानी कि अगर आपके पार्टनर्स के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, देन आई थिंक यू नीड टू स्टे अवे फ्रॉम देम। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक दिस वीडियो एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो बाय, सी यू। ये लड़का सही लग रहा है। एक्सक्यूज मी, हाय। हाय, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज अंकित एंड यू? मेरे नाम में कुछ नहीं रखा है, आप बताइए आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यहीं पे रहता हूँ, मॉडल टाउन में। आप कहाँ पे रहती हैं? और आपको ट्रिप पे जाना पसंद है क्या? ट्रिप पे? हाँ। जब हम किसी को पसंद करते हैं या फिर मिलते हैं, तो उस रिलेशनशिप को ऑर्गेनिकली ग्रो होने देना चाहिए। जबरदस्ती अगर आप चेप हो जाएंगे या फिर आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा फोर्स करेंगे कि यू हैव टू नो मी, यू हैव टू स्पेंड टाइम विद मी, सो वो रिलेशन कहीं ना कहीं स्ट्रांग नहीं रहेगा एंड ऑफ कोर्स सामने वाले पार्टनर को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अगर आप भी अपने पार्टनर से मिल रहे हैं और आपका पार्टनर आपके ऊपर बहुत ज्यादा चेप हो रहा है, तो प्लीज स्टे अवे फ्रॉम देम एंड लेट इट ग्रो ऑर्गेनिकली। देर क्यों लगा रही है ये? अरे तुम इस समय क्या कर रही थी यार? इतनी देर क्यों लगा दी? यार मैं सो रही थी। इस टाइम पे कौन सोता है यार? ये कौन है? बेब, ये कौन है? अरे मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने बताया तो था तुम्हें। मुझे तो नहीं पता। एनीवेज मैं अंदर जा रहा हूँ, मेरा बॉक्सर वहीं बेड पे पड़ा हुआ है। हाँ ओके। तो तुम दोनों साथ में सो रहे थे? अरे यार तुम गे है। गे फ्रेंड? अभी भी उसका ब्रेकअप हुआ है। तो ब्रेकअप हुआ था तो तुम दोनों साथ में क्यों सो रहे थे? तुम तो बिल्कुल सेंसिटिव नहीं हो। आई जस्ट डोंट गेट इट। अरे सुनो तो। ऐसी लड़कियां जिनका गे फ्रेंड होता है, जिसकी आड़ में वो सारी चीजें कर लेती हैं और आपके सामने तो वो एकदम सती सावित्री बन के रहती हैं, ऐसी लड़कियों से तो बहुत ज्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि हर रिलेशनशिप या हर दोस्ती की एक लिमिटेशन होती है। अगर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जरूरत से ज्यादा ही आप उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं और आप अपने करंट पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, देन आपके पार्टनर को थोड़ी सी जेलिसी हो सकती है और आपके रिलेशनशिप पे बुरा असर पड़ सकता है। तो आपको भी अपनी दोस्ती की लिमिटेशन ध्यान रखनी चाहिए और अपने पार्टनर को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपका करंट रिलेशनशिप खराब ना हो। बेब ये देखो कितनी सुंदर ड्रेस। हाँ? सिर्फ 25,000 की है, मेरे को दिला दो प्लीज। 25,000? कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है क्या? तुम तो हमेशा डिस्काउंट ही पूछते रहते हो, अभी मेरे पापा होते तो मुझे कब का दिला देते। अरे
ऐसी लड़कियां बहुत चालाक होती हैं, जो बात बात में ये प्रूफ करती हैं कि मेरे डैडी होते तो वो मुझे सब कुछ ला के देते, सो दैट मीन्स कि आपको भी उसका ध्यान रखना चाहिए एंड वो जो भी चीज कह रही है आपको उसे खरीद के देना चाहिए। दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। सबकी अपनी पॉकेट होती है। अगर आपके डैडी आपको ला के दे रहे हैं सो दैट डज नॉट मीन कि आपका बॉयफ्रेंड भी आपको वही चीजें अफोर्ड करके दे सकता है। अगर वो आपको सच्चा प्यार करती है तो वो आपको ऐसे इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करेगी, वो भी एक एक्सपेंसिव गिफ्ट के लिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज अभी संभल जाइए। हेलो, हाँ लंच पे? हाँ चल ठीक है, चलते हैं। ओके बाय। वाह भाई वाह, जब मैंने बोला शॉपिंग पे चलने के लिए तब तो तुमने मना कर दिया। अरे अब तुम्हारा दोस्त वो लंच पे ले जाने के लिए बोल रहा है तो तुम तुरंत तैयार हो गए? Oh, no. अरे यार आया तो तुम चूज कर लो, या तो मैं या तो वो, अब देख लेना। इसमें चूज की क्या बात है? दोस्ती अपनी जगह होती है, प्यार अपनी जगह होता है, बट आपको दोस्ती की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अगर आपके भी फ्रेंड्स हैं एंड आपको बाहर जाना है अपने फ्रेंड के साथ, प्लीज गो, बट उनमें से आपको चूज करने के लिए कभी भी ऑप्शन नहीं देना चाहिए। दोस्ती वैसे भी कभी खत्म नहीं होती है एंड वो आपसे छुप छुप के वो सारी चीजें करेगा। अगर आप चाहते नहीं कि आपका पार्टनर आपसे कुछ चीजें छुपाए, सो प्लीज लेट योर पार्टनर लिव हिज लाइफ और हर लाइफ। अरे लैपटॉप नहीं चल रहा। हेलो हेलो बेबी, मेरा लैपटॉप खराब हो गया, क्या आप मेरा लैपटॉप ठीक करा दोगे? ठीक है, मैं सर्विस करवा दूंगा। अरे आटा तो खत्म हो गया। हेलो, हाँ बेबी यहाँ आटा खत्म हो गया है और मेरा पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आते समय आटा ले आना मेरे लिए प्लीज। ठीक है, आटा ले आऊंगा आते टाइम। ओफो, ये फैन को भी अभी खराब होना था। क्या हुआ? हेलो, हाँ बेबी मेरे घर का ना फैन खराब हो गया है, क्या तुम ठीक करवा दोगे? ठीक है, शाम को लौटते टाइम देखते हुए जाऊंगा। ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है। जब कभी भी हम उसको फ़ोन करते थे कि चल मिलते हैं, तो वो हमेशा ये बोलता था कि यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ये सामान लेने जा रहा हूँ, वो सामान लेने जा रहा हूँ। सो वी वर लाइक कि वो भी तो मंगा सकती है या फिर तू उसका नौकर है क्या? अगर आपका पार्टनर भी आपको ऐसे ही नौकर बना के रखता है तो प्लीज़, ज़रूरी कामों में हेल्प करना इज़ फाइन, बट छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको बॉदर करना इट्स नॉट गुड। आपकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, आपके भी अपने कुछ काम है, यू नो व्हाट आई मीन। हेलो हेलो बेबी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, मैं आपको 2 मिनट में करता हूँ। ठीक है, आप 2 मिनट में कॉल कर रहे हो ना? ठीक है ओके, चलो बाय बाय। ठीक है, यस सर। तो मैं ये कह रहा था, 2 मिनट हो गए कॉल नहीं किया। यस सर, दैट विल बी डन सर, 1 मिनट। हेलो हेलो, वो कॉल तो करते यार, 2:10 हो गए। ये बेबी मैंने आपको बोला ना मैं आपको करता हूँ 2 मिनट में। अरे जल्दी कॉल करते ना, मैं तो बिल्कुल तुम प्यार नहीं करता, बिल्कुल तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट तो है नहीं बिल्कुल भी। अरे बट मेरी तो सुनो, तो तुमसे नहीं प्यार करते हो, चुप रहो, तुमसे नहीं प्यार करते हो, बाय। क्या यार। यस सर, रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझना या फिर उसको बहुत ज्यादा केयर करना फाइन, बट ओवर इमोशनल होना वो कभी कभी इरिटेटिंग भी हो सकता है। रिलेशनशिप में अगर स्पेस नहीं होगी तो वो एकदम घुटन जैसा बन जाता है और उसमें सफोकेशन के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। तो दोनों पार्टनर्स को एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए। अगर वो किसी जरूरी काम में बिजी है तो आपको भी समझना चाहिए। तो अगर आप भी ओवर इमोशनल हो रहे हैं या ओवर पजेसिव हो रहे हैं तो प्लीज अभी भी संभल जाइए, इससे पहले कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के भाग जाए। भैया कितने का हुआ बिल? अच्छा 3,000 का, रुको मैं पे करती हूँ। क्या हुआ यार, हैंग कर रहा, पता नहीं बढ़ ही नहीं रहा है आगे। तुम्हारा आज भी फोन नहीं चल रहा है? यार मैं नहीं चल रहा, मैं कैसे बताऊँ यार, कैसे कैश लेके आया करना यार। यार तुम्हें पता मैं कैश लेके नहीं चलती हूँ, जब तुम चलते हो तो तुम सामान ही मत खरीदा करो, हर बार मैं ही पे करता हूँ। ये बहुत कॉमन है, आई थिंक मैंने ही अपने 2-3 फ्रेंड्स को देखा है ऐसे। उनकी गर्लफ्रेंड्स हमेशा जाती हैं बट कभी भी बिल पे नहीं करती हैं, या फिर जब कभी भी बिल पे करने की बारी आती है तो या तो वो वॉलेट छोड़ आती हैं या फिर उनका कार्ड काम नहीं कर रहा होता है, एंड लास्ट में लड़कों को ही बिल पे करना पड़ता है। इट्स नॉट अबाउट गाय, बट अपोजिट भी हो सकता है कि हमेशा लड़की ही बिल पे कर रही है, लड़का नहीं पे कर रहा है। आपको संभल जाना चाहिए एंड हर बार अपना
कटवाने की जरूरत नहीं है। गाइस ये थे कुछ ऐसे टाइप के पार्टनर्स जिनसे हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, या फिर अगर उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो हमें इमीडिएटली अलर्ट हो जाना चाहिए, जिससे कि हम इमोशनली मेंटली टॉर्चर होने से बच सके। नथिंग इज पर्सनल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप मुझसे एग्री कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कोई हेट्रेड नहीं है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव इट अ लाइक, टू सब्सक्राइब, फॉलो मी इन माय इंस्टाग्राम, हियर इज माय हैंडल, एंड या आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।